कचरा उठाने के लिए कॉम्पैक्टर मशीन मंगवाए गए। बात यहाँ 2-4 लाख की नहीं है, करीब 56 लाख की लागत लगी। 56 लाख की ये कॉम्पैक्टर मशीन तो मंगवा दी गई, लेकिन कचरा जस का तस है और मशीन जस का तस। मशीन अभी भी धूलों में पड़ा हुआ है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जब से इस मशीन को मंगवाया गया है, नगर परिषद द्वारा इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, तो फिर फायदा क्या हुआ जब कचरा ही नहीं उठाया गया। देखा जाए तो पूरी तरह से सरकारी पैसे का मिसयूज यहाँ हुआ है। देखिए, मुंगेर जिला की नगर परिषद हवेली खड़गपुर में सरकारी राशि के मिसयूज का एक मामला प्रकाश में आया है। नगर परिषद प्रबंधन ने साल 2021 में रुद्रा एंटरप्राइजेस गया के माध्यम से 56 लाख रुपए की लागत से नगर परिषद क्षेत्र के कचरा के उठाव के लिए कॉम्पैक्टर मशीन मंगवाया था। 1200 किलो कचरा उठाने की क्षमता इस मशीन की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से ये मशीन नगर परिषद हवेली खड़गपुर में लाया गया, तब से जस का तस मशीन एक ही स्थान पर यूं ही खड़ा है, या यूं कहे कि धूल फाक रहा है, जिससे नगर परिषद हवेली खड़गपुर की उदासीनता स्पष्ट नजर आ रही है। इस मामले में नगर परिषद के वार्ड पार्षदों और उनके जनप्रतिनिधियों की माने तो नगर परिषद प्रबंधन द्वारा कॉम्पैक्टर मशीन का नगर परिषद क्षेत्र के कचरा उठाव के लिए एक दिन भी उपयोग नहीं किया गया, ये सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है, या यूं कहे कि नगर परिषद हवेली खड़गपुर के लिए शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। और तो और, इसे चलाने वाला कोई कुशल चालक भी नगर परिषद के पास नहीं है। क्या कौन सा मशीन है? कॉम्पैक्टर मशीन है। क्या काम आता है? कचरा उठाना, कचरा को ज्यादा कचरा हो जाता है उसको पैक करके उसको छोटा करना। अच्छा, कब खरीदा गया था ये? 2021 में। कितना कर लागत? 50 लाख से अधिक की लागत है। जब से खरीदा आज तक रोड पर दौड़ी या कचरा उठाई? रोड पे उठाई है, एक बार भी नहीं रोड पे उठाई। तो क्या लगता है सरकार का पैसा? सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है। अधिकारी क्या कर रहा है? अधिकारी सुतल है, जो जब से आया तब से सब अधिकारी सब सोया हुआ है, ऐसे ध्यान में नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये नहीं लगे जंग खा रहा सरकार का पैसा? जंग खा रहा है, जो उसमें कचरा उठाने का है वो जंग खा रहा है उस मशीन में, गाड़ी में। पार्षद कहाँ है, मुख पार्षद कहाँ है, कार्यपालक अभियंता कहाँ है? पार्षद और मुख पार्षद के ये अभी में नहीं खरीदा गया था, उससे पहले लोग भी ट्राई कर रहा है मशीन को चालू करके रोड पे इसको लाने के लिए, सब वार्ड पार्षद पार्षद सब इसको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार। क्या है? वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 4। तो जैसा कि आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से ये कॉम्पैक्टर मशीन तो मंगवा दी गई 56 लाख की लागत से, लेकिन इस सरकारी पैसे का मिसयूज करते हुए किस तरह से ये अभी भी धूलों में पड़ा हुआ है, इस मशीन का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। सवाल यहाँ पर प्रशासन पर है, नगर परिषद से ये सवाल उठ रहे हैं। नगर परिषद को लेकर लोग लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक इनके सिर पे जूं रेंगती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज UNI के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, personal loan, business loan, credit card, insurance, loan against property, etc. For more details, contact us.